हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास में कटिंग प्लॉटर है। हमारा ये वाला जो कटिंग प्लॉटर है, इसमें थोड़ा सा कंप्लेन आने लगी है क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है। ये 2014 का मेरा ख़रीदा हुआ था और आज मैंने ये फिर दोबारा से दूसरा एक कटिंग प्लॉटर मंगाया है और आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से इसे हम अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ें और उसके बाद कैसे किस तरीके से हम इसे प्रिंट आउट निकालेंगे। तो गाइस, देर ना करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये काट लेते हैं इसकी पॉली, हटा देते हैं। तो इसका कार्टन कुछ इस तरीके से यहाँ से ओपन कर लेते हैं, इसका टेप काट देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी पैकिंग जो आप देख पा रहे हो बहुत ज़बरदस्त है और ये कटिंग प्लॉटर हमारा ब्लैक कलर का और इसके साथ जो एसेसरीज आई है वो इस डिब्बे में है। तो अब पहले सबसे पहले मैं आपको कटिंग प्लॉटर बाद में दिखाऊंगा, पहले इसकी एसेसरीज दिखा देता हूं आपको। इसकी ये इसका कवर खोल के दिखा देता हूँ। ये इसका कवर है, यानी कि काम करने के बाद इसे हम कुछ इस तरीके से ढक सकते हैं तो इसमें डस्ट नहीं आएगी। उसके बाद ये इसके साथ इसका ब्लेड है और उसके बाद ये इस एक एलंकी भी है और इसके साथ इसका ड्राइवर का एक सीडी भी आया है और ये ब्लेड का पूरा डिब्बी आया है जो इसमें ब्लेड लगता है, तीन ब्लेड का डिब्बी है। और उसके बाद ये इसका सॉफ्टवेयर का एक सीडी है छोटा वाला, ये फ्यूज़ भी है जो इसके अंदर फ्यूज़ होता है। और उसके बाद ये एलंकी है, छोटी एलंकी है। और ये इसमें तो लगेगा यहाँ ब्लेड, जो ब्लेड इस डिब्बी में है ब्लेड लगेगा। और ये पेन, हम इससे कोई सा डिज़ाइन भी अपनी मशीन में लगा कर चला सकते हैं। तो फिलहाल आपको मैंने ये चीज़ तो सब दिखा दी है, इसे डाल देते हैं पॉली बैग में। उसके बाद ये कॉम केबल है, इधर से ये कॉम केबल है। उसके बाद एक यूएसबी केबल है क्योंकि ये यूएसबी से भी ऑपरेट होने वाली है। और ये इसकी पावर केबल। और उसके बाद इस मशीन के ये थोड़े से, अब इसके बाद इसके स्क्रू वगैरह सारे इसके अंदर हैं। ये इसका पूरा मैनुअल है कि किस तरीके से हम इसे कहाँ कहाँ किस तरीके से इसे इंस्टॉल करेंगे। तो अभी देर ना करते हुए इसे तो रख देते हैं वापस और उसके बाद फटाफट इसे करते हैं अनबॉक्स। तो ये निकालेंगे हम हमारा ये हेडर, मशीन को हम इधर रख देते हैं, इस प्लॉटर को। और इस प्लॉटर को तो हम समय आपको सबसे लास्ट में दिखाएंगे, पहले इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये एक कार्टन और निकला इसके अंदर और इसके बाद इसका पूरा स्टैंड, जिस स्टैंड पे खींचने वाला है ये स्टैंड है ये। और ये फिलहाल क्या कि इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास काउंटर रखा हुआ है, अभी मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल अभी क्या है कि हम इसे यहीं रखा रहने देंगे, ठीक है। इसे वापस हम इस कार्टन को रख देते हैं इधर। अब आया हमारा मेन चीज़ है प्लॉटर जो हमने मंगाया है, SI का प्लॉटर है ये। और इसका ये हम पॉली से निकाल रहे हैं। तो ये प्लॉटर हमारे साथ साथ हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आराम से इसे अनबॉक्स कर लेना है। अब उसके बाद ये केबल टाई लगी हुई है, इसमें केबल टाई काट लेता है। ये हो गया हमारा अनबॉक्स। अब इसके बाद हमारा जो प्लॉटर पहला वाला था उसे हम यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह हम ये रखेंगे। तो फिलहाल क्या है, ये प्लॉटर हमारा अभी ऑन है
इसका हम ऑफ कर देते हैं और ये तो ये प्लॉटर की हमारी ये जगह खाली। अब हम ये वाला प्लॉटर रखेंगे यहाँ पे। अब इस प्लॉटर में तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा जो प्लॉटर है हमारे मेन जगह आ चुका है। अब क्या है कि इसे हम अपने कंप्यूटर से करेंगे कनेक्ट और उसके बाद में इसे निकालेंगे, कटिंग करेंगे और चेक करेंगे। फिलहाल तो अभी तो इसमें से हम अभी फ़िलहाल क्या है कि कॉम पोर्ट से ही चलाने वाले हैं क्योंकि हमारे पास हमारे ये कंप्यूटर में इधर से पहले से कॉम पोर्ट लगा हुआ है तो यूएसबी हम फिलहाल यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी ये जो है ये स्क्रू वगैरह जो थे वो स्टैंड के लिए थे तो इसकी हमारे को अभी फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं है और इस ड्राइवर की भी क्योंकि ये ड्राइवर है यूएसबी ड्राइवर। केवल हमें जो ज़रूरत है ये इस नॉब की ज़रूरत है जिसमें ये ब्लेड लगेगा। तो सीधी सी बात ये है कि हम ये नॉब और ये एक ब्लेड हम निकाल लेंगे। अब इसे बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि हमने यूज़ किया तो हमें पता है सारी चीज़ का कि हम किस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है ये जो आपको दिखाई दे रहा है पीतल के कलर का, इसे आपने खोल लेना है, फुल खोल लेना है और उसके बाद में हमें ये फुल टाइट कर लेना है। अब क्या करना है ये रेड कलर हटा देना है और हमें ये इस तरीके से डाल देना है। अब कुछ लोग क्या की गलती कर जाते हैं, अब यहाँ इसमें क्या है कि गैप आ जाएगा काफ़ी तो आराम से ब्लेड चलेगा, बट अगर ये आगे होता तो इसका नोक बहुत छोटा सा निकला होता तो उसमें हो सकता था कि इलझने का भी चांसेस होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है विनाइल मुड़ जाती है तो उसमें दिक्कत आती है। तो अब हमें इस तरीके से यहाँ ज़्यादा पॉइंट निकाल देना है, उसके बाद इजीली ये यहाँ लगाना है। तो ये हटा के पीछे और उसके बाद यहाँ हमें कुछ इस हिसाब से रखना, थोड़ा ऊँचा रहे नीचे वाले वेस से और यहाँ हमें इसे फुल टाइट कर देना है। ये हमारा फुल टाइट हो गया। अब उसके बाद हम इसमें लगाएंगे कॉम पोर्ट। तो कॉम केवल हम इसमें यहाँ इस तरीके से लगाएंगे, इस पर लिखा हुआ था कॉम और यूएसबी, कॉम और यूएसबी लिखा हुआ है तो हम यहाँ कॉम पे लगा देंगे। लगाने के बाद पावर केबल हमारा ये रहा, अब पावर केबल हम यहाँ लगाएंगे। उसके बाद में इसे करते हैं ऑन। तो ऑन ऑफ स्विच इसका ये है, ऑन ऑफ स्विच तो इसका ये है। अरे इसमें फ्यूज जो मैंने आपको दिखाया था फ्यूज इसके अंदर है, ठीक है। अब इसे ऑन करते हैं तो यहाँ ये SI का हमारा प्लॉटर ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या अभी सेटिंग हो रखी है जो इसका स्पीड है 800 mm/s की है और यहाँ पर जो है इसका फोर्स जो है वो 100 g का है यानी कि 100 g प्रेशर से ये इस कटिंग करेगा। अब इस प्रेशर को हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे और इसके बाद जो इसका स्पीड है स्पीड को भी अपने अकॉर्डिंग ही हम सेट करेंगे। एक बात विशेष तौर से ध्यान रखना कि इसकी स्पीड जितनी कम होगी उतना ज़्यादा स्मूथली ये काटेगा। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि हम एक कोई से भी विनाइल ले लेते हैं, विनाइल हम रेड कलर का विनाइल ले लेते हैं। ये फ्रेंड्स फाइनली क्या है कि अब हमने विनाइल लगा ली अपनी मशीन के अंदर प्लॉटर के अंदर। अब इसके बाद हम करेंगे इसकी सेटिंग क्योंकि इसका जो स्पीड हो रखी है वो 800 mm/s की हो रही है तो यहाँ इसे हम अगर हम इसके स्पीड कम करते तो B- का यहाँ बटन है, B- से यहाँ हम लेकर आएंगे। हमें कम से कम स्पीड रखनी है तो कम से कम हम इसे लेकर आएंगे 200 पे क्योंकि बहुत तेज़ चल रहा है, 800 mm की स्पीड काफ़ी होती है तो यहाँ हम फिलहाल लेकर आएंगे 200 पे। यहाँ हम 200 पे ले आए। अब इसका जो प्रेशर है उस प्रेशर को भी कम करेंगे तो जो फोर्स है फोर्स का F- करेंगे यहाँ से, तो F- करेंगे
तो यहाँ पे क्या है 40 50, फिलहाल अभी 100 का था, हमने 50 का कर दिया। अब यहाँ पे हमें टेस्ट करना है, जो चेक करना है कि किस तरीके से हमारा कटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमने जैसे टेस्ट करेंगे तो ये मशीन हमारी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी और ये एक ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली कट कर देती है। तो यहाँ से क्या है, हम फिर इस पर ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाने के बाद बी माइनस करेंगे तो आगे आ जाएगा और बी प्लस करेंगे तो पीछे जाएगा, एफ़ प्लस करेंगे तो इधर साइड में जाएगा और एफ़ माइनस करेंगे तो इधर करेगा। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट कट चुका है तो उसे चेक करने के लिए हम बी माइनस को प्रेस करेंगे तो हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ आगे आके कट चुका है। अब इसे देखेंगे हम कि कटिंग कैसी आई है। अब यहाँ से हम ब्लेड से आप छुटाएंगे तो अभी फ़िलहाल क्या है कि इसका प्रेशर जो है वो थोड़ा कम हो गया, ज़्यादा कम हो गया तो कटिंग नहीं कर पाया। उसके बाद हम इसे दोबारा से मशीन को सेट करेंगे। मशीन को सेट करने के बाद में यहाँ इसका प्रेशर हमने थोड़ा सा फोर्स जो है बढ़ा दिया, 70 ग्राम का कर दिया, 70 जी का कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जाना है और उसके बाद यहाँ ऑप्शन पे जाके टेक्स्ट करना है तो ये फिर दोनों दोबारा से ऑपरेट होगी। उसके बाद ऑप्शन और ये इधर ले। अब इसके बाद इसे चेक करेंगे, देखते हैं। हाँ तो अब ये बहुत अच्छा कटिंग हो चुका है, यानी फोर्स भी सेट हो गया है और जो इसका स्पीड है वो भी सेट हो गया है। अब ऑप्शन पे जाके अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब हम अपने कंप्यूटर पे ऑपरेट करेंगे। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमारे पास में है फ्लेक्सी 10, जो हमारे पास है फ्लेक्सी 10 वो अभी हम ओपन करेंगे। अब ओपन करेंगे ये हमारे पास फ्लेक्सी 10.0.1 वर्जन, यहाँ ऑन कर दिया हमने तो ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट खुल के आएगा और उसके बाद इसे माइनस फिर से बड़ा कर दिया। अब क्या है कि अब हम कोई सी भी एक फाइल निकालेंगे, अब ये हमने एक गणेशी ले लिए हैं तो ले। तो यहाँ जो है इनका साइज बना लेते हैं, हमें 2 इंच इसकी हाइट चाहिए और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ये यहाँ 1.5 इंच तो 1.5 हो गया। उसके बाद यहाँ से हम, तो फ्रेंड्स फाइनली क्या है कि हमने जो मशीन है वो अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लिए और कनेक्ट करने के बाद हमारे पास फ्लेक्सी 10.01.1 वर्ज़न है। तो हमने उसमें ये फाइल खोल दी है। अब खोलने के बाद यहाँ से हम क्लिक करेंगे, यानी कि कट प्लॉट पे या कंट्रोल एल करके देंगे तो भी कमांड आ जाएगी। यहाँ से क्या हम इसकी सेटिंग करेंगे जो हमें कमांड के लिए देने के लिए होगी, यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद ये कुछ इस तरीके का खुल का आएगा और उसके बाद यहाँ से हमने क्लिक करना है और यहाँ पे आर प्रेस करना है हमें और आर प्रेस करने के बाद रोल ऑन। अब फिर उसके बाद यहाँ से CM24 पे क्लिक करना है और यहाँ CM24 पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ CM24 यहाँ फॉर्म बन, आप जो है अपने कंप्यूटर के मैनेजमेंट में जाके भी यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में जो डिस्क में आके यहाँ कॉम पे आप चेक कर सकते हैं कॉम कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा कॉम बन, तो यहाँ पे कॉम बन पे हम चेक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से हमारा यहाँ कॉम बन, क्योंकि यहाँ कॉम काफ़ी सारी आती है तो यहाँ वहाँ से चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉम बन सेलेक्ट करेंगे या ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग आ जाती है, यहाँ से केवल फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद जो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अब केवल हमें सेंड करना है। तो जैसे ही हम सेंड करेंगे मशीन को हमारी कमांड मिल जाएगी और मशीन हमारी ऑपरेट करना शुरू कर देगी। तो हमारा ऑब्जेक्ट कटिंग होके हो गया रेडी। तो यहाँ से क्या हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें बी माइनस दबाना है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हमारे सामने आगे आ जाएगा। या तो हम इस विनाइल को यहाँ से निकाल के अपने काउंटर पे रख के तब भी हम काम कर सकते हैं, वरना अगर यहाँ निकालने की इच्छा है तो आप यहाँ भी इसे रिमूव कर देंगे। तो गाइज एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, बहुत स्मूथ तरीके से ये पूरा कटिंग हमारा एक बार में साफ, और जहाँ पर इसका ये आँखें हैं और ये, यानी कुल मिला के बहुत प्यारी कटिंग करके दी है, बहुत अच्छी कटिंग है। अब इसके बाद हमें ट्रांसफ़र टेप लेना है। ट्रांसफ़र टेप ये होता क्या है, यहाँ पे हम इसके ऊपर लगाएंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है और उसके बाद यहाँ से ब्लेड से हम कर लेंगे इसे कटिंग।
उसके बाद ये ट्रांसफ़र टेप से यहाँ हम इसे यहाँ से रिमूव कर लेंगे। अब उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे ये। तो फ्रेंड्स क्या है कि हमारा जो प्लॉटर है वो हमने चेक कर लिया है और उससे एक ऑब्जेक्ट हमने निकाल के यहाँ लगा भी दिया है। तो फ्रेंड्स ये जो प्लॉटर है बहुत अच्छा प्लॉटर है हमारे पास आया है। अब जो हमारा पिछला प्लॉटर का एक्सपीरियंस था वो भी हमारे पास जो 2014 से था और वो अब आगे थोड़ा सा उसमें कंप्लेन आई थी, तो इसकी वजह से हमने ये प्लॉटर नया मंगाया है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।